जो है वो मुकम्मल तौर पर आबाद हो चुका है, जिसके 12,510 एकड़ पे भरपूर जंगल है। ये जंगल जो है ये पेट एनिमल फ्री जोन है, ये जंगल जो है यहाँ पे कोई इलीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं है, ये जंगल जो है यहाँ पे कोई इलीगल हंटिंग नहीं है, ये जंगल पूरी तरह अपनी पूरी शान और शौकत से अपने बाहें फैलाए हुए है। तो यहाँ पे आज जो है वो गेयर ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़े सूफी नाइट का एकदम एहतमाम किया है, जहाँ पे पूरे पंजाब से बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे नौजवान लड़के और लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लोग जो है वो आज की रात छांगा मांगा जंगल में मना के इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि छांगा मांगा जंगल न सिर्फ ये कि आप सबको वेलकम करने के लिए तैयार है, बल्कि छांगा मांगा जंगल आने वाले हर मेहमान को ये याद दिलाने के लिए भी तैयार है कि छांगा मांगा इज वेटिंग फॉर यू। मेरे साथ जो है इस तहरीर के रूए रवा और छांगा मांगा जंगल की इस हालत में, छांगा मांगा जंगल को बर्बादी से आबादी की तरफ लाने की इस जद्दोजहद में सबसे ज्यादा नमाया काम करने वाले जनाब सैयद तलत अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर छांगा मांगा हैं। और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आज उनके कैसा लग रहा है छांगा मांगा जंगल में आगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि बर्बादी से आबादी का जो सफर, जिसको मैं, मुझे तो तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, लेकिन ये 14 साल से जो किश्त आप काट रहे हैं, मैं आज उसका समर जो है यहाँ छांगा मांगा में देख रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के दूर अर्ज से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, फैमिलीज हैं, लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए, लोग अपनी बच्चियों को लेके आए हुए, और छांगा मांगा जंगल के अंदर जो जंगल का जो सुकून है उससे लुत्फ उठा रहे हैं। वो यहाँ की जो गेरा पाकिस्तान में जो सूफी नाइट का इंतजाम किया जा रहा है, यहाँ इस बात की मांग है और इस बात का इरादा करता है कि छांगा मांगा जो है वो अपने पूरे आपो ताप से जो है वो ग्रो कर रहे हैं और पूरे अमर के साथ लोगों को दावत दे रहा है कि आप आए छांगा मांगा में। जिस तरह यहाँ लोग अपनी फैमिली को लेकर आए हुए, आप ही आए अपनी फैमिली को लेकर, ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ये पुरसकून और सिर्फ पुरसकून माहौल है यहाँ, यहाँ फैमिली को लेकर आए, बच्चों को लेकर आए। ये तो आपने सुना कि सैयद तलत अब्बास साहब को आज हम यकीन तौर पे सब बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा सबका ये मिशन था कि हमने छांगा मांगा को सबसे पहले रिस्टोर करना है और उसके बाद इसको टूरिज्म हब बनाना है, लेकिन ये टूरिज्म हब बन नहीं सकता था जब हमारे साथ मोहम्मद कामरान साहब जैसे जो लोग हैं वो ना होते। और आज मोहम्मद कामरान साहब ने छांगा मांगा जंगल पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, उन्होंने छांगा मांगा जंगल को टूरिज्म की प्रमोशन के लिए चुना है। मोहम्मद कामरान साहब जो है ये गेयर ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर है, जो कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान से पूर्व और मुख्य जगह पे टूरिज्म की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कामरान एक तो बहुत शुक्रिया आपने आज छांगा मांगा जंगल जो है ये आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, कैसा फील किया आपने? तो ये मोहम्मद कामरान है, आज मोहम्मद कामरान साहब ने यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की है, जिनके अंदर यहाँ पे जिप लाइन है, यहाँ पे सूफी नाइट है, कव्वाली की आवाज आपको आ रही होगी, यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे लाहौर से, गुजरावाला से, सियालकोट से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से और खानेवाल से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से लोग यहाँ पे आज रात जो है वो छांगा मांगा फॉरेस्ट में मना रहे हैं। आए हम आपको आज इस इवेंट को दिखाते हैं और आप हमें बताइएगा कि ये, और आप हमें बताइएगा कि ये इवेंट आपको कैसा लगा, और साथ ये भी बताइएगा कि छांगा मांगाने का प्लान आप कब बना रहे हैं। भैया आप किधर से हैं? मैं लाहौर से। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? परफॉर्म अभी मैंने एक सॉन्ग परफॉर्म किया है सोना सावला, ठीक है वो सुनाते हैं। सोना सावला मुख ना मोड़ी, आय लगी ओई प्रीत जानी तू ना तोड़ी, सोना सावला मुख ना मोड़ी, आय लगी ओई प्रीत जानी तू ना तोड़ी, होले होले जख्मा को तू ना छेड़ी, ओए जख्म दुख दे मरीजा दे, कदन वल सो सोना सावला, ओए वतन साडे गरीबा ते।
इधर आए हैं छांगा मांगा जंगल को देखने के लिए। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बेटी जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया और बहुत लोगों ने इंजॉय किया, मैंने बहुत इंजॉय किया, खास करके क्राउड जो उन्होंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, और इवेंट बहुत अच्छा हुआ, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा किया गया था। अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं छांगा मांगा जंगल में, तो क्या हमारे नाज़रीन को पैगाम देंगे? आप आधी रात को इतना इवेंट कर रहे हैं, परेशानी को जेन में क्या माइंड था? हम तो माइंड यही लेके हैं कि लोगों को एंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट वो लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत इंजॉय किया और हमें कोई रास्ते में आने में तंगी नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा सफ़र था और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंजॉय किया। आगे भी आएंगे? फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। आगे भी आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, आते रहेंगे। जो नाज़रीन देख रहे हैं पूरी दुनिया को, डॉक्टर वकास खान के पेज को, क्या पैगाम देंगे कि इधर आना भी चाहिए उनको कि नहीं इस माहौल में? क्योंकि जंगल है ना भाईजान, जंगल के बीचों बीच आप आधी रात को एक कैंप लगाया, लोगों को इकट्ठा किया, गैदरिंग इतनी हो गई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छांगा मांगा जंगल एक हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर जगह है और यहाँ पे बड़े लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, सैर तफरी के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, बहुत एंजॉय किया। आज आए हैं यहाँ पे छांगा मांगा जंगल में, फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा इसको जो ना वो देख नहीं सका, चूँकि हम थोड़ा लेट नाइट आए, और यहाँ पे ये आई थिंक ये फर्स्ट टाइम जो ना वो इवेंट जो है वो यहाँ की जो फॉरेस्ट कंपनी है जो जंगल को, छांगा मांगा जंगल को जो प्रोटेक्ट करती है, जो उसको देखती है टूरिस्ट के लिए, विजिटर के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने रखी हुई यहाँ पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख सका, मगर मैंने जितना भी मैंने इसको व्यू किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को आगे देखना चाहिए, और बहुत ही मज़े की जगह है। और आज माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत यहाँ पे इवेंट सजाया है फॉरेस्ट कंपनी ने, और हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं सूफी और पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स डांस को, तो बहुत अच्छा लगा। आपका किरदार क्या है, आप इधर आए हुए हैं, क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हाँ, किरदार हमारा, हम आर्टिस्ट हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान का जो ट्रेडिशन है वो परफॉर्म करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हैं? सर हम लाहौर से आए हैं। इधर क्या आप इधर लाहौर में आधी रात को छांगा मांगा जंगल के बीचों बीच आप आए हुए हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्यों आए? थोड़ा स्केरी फील हो रहा है और एक्साइटेड भी है, बिकॉज छांगा मांगा पहली बार आए हैं, और हम लोग वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपनी से बिलोंग करते हैं, और हमारी कंपनी कल्चर डांसेस परफॉर्म करती है, और आज हम यहाँ पे कल्चर परफॉर्म करने आए हैं जिसमें भंगड़ा है, उसके अलावा क्या नाम है, खटक है और सूफी है, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और या अच्छा, जो इधर के जो इंतजामिया उनके बारे में क्या कहें? आई वुड लाइक टू थैंक्स टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी हु ब्रिंग्स अस हियर, एंड वो हमारे साथ बहुत अच्छे से तामन कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे फूड के हवाले से, या कह लो कि हमें जिस जगह रखा हुआ है उस सब चीज़ों को मैनेज करने में वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैम। कसूर पुलिस का कैसा किरदार है इधर? पुलिस के इंतजामिया जो है वो इधर है आपके ऊपर नफरी वो खड़ी हुई है, जो आपको कोई परेशानी हो तो वो आपके सामने आए, वो पुलिस के अहलकार जो कसूर पुलिस की तरफ से क्या? जी जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा निज़ाम है, जो कि यूजुअली नहीं होता है, बट हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्या क्या आप परफॉर्म करने जा रहे हैं आज रात? वो भी आप ये एक और क्वेश्चन मुझे बताएं, आप इतनी दूर से आए हैं छांगा मांगा जंगल के बीचों बीच, आप इतनी रात को, आपको कोई डर नहीं लग रहा, खौफ नहीं लग रहा कि इधर के जो इस तरह का वो सिस्टम है, क्या क्या महसूस कर रहे हैं? okay. आप अपने जज्बात बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आर्टिस्ट इज अ फेयरलेस पर्सन, जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही बेबाक होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता किसी चीज से, और हम छांगा मांगा में पहली बार आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है छांगा मांगा आके, एंड या दैट्स इट। क्या नाज़रीन को पैगाम देंगे कि आया कि डॉक्टर वकास खान के ज़ेरे तमाम जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी काम कर रही है, ओ आपको इतने तहफ़्फ़ुज़ात आप कह रहे हैं हमें फराम किए गए हैं, पुलिस की बात की जाए तो कसूर पुलिस की तरफ से आपको बड़ी अच्छी नफरी फराम की गई है, फूड के हवाले से बात की जाए इधर आपको बड़ा अच्छा वो माहौल मिल रहा है, जो टूरिज्म लोग हैं पूरी दुनिया में छांगा मांगा जंगल का नाम है, तो क्या डॉक्टर वकास खान के फेसबुक पेज से उन्हें पैगाम देंगे कि उनको भी इधर आना चाहिए, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए कि नहीं? या बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि ऐसे फेस्टिवल ना सिर्फ छांगा मांगा में बल्कि हर जगह पर होने चाहिए, क्योंकि जितना आप आर्ट को
परफॉर्म करोगे लोग उतना उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो ये ऐसे फंक्शंस, कल्चर शोज और आर्ट के रिलेटेड चीजें हर जगह पे होनी चाहिए। लोगों के क्या तसरा जो आपको देख रहे हैं, उन्हें कैसा लगा? या दे आर एंजॉइंग आवर परफॉर्मेंसेस, और अभी हम परफॉर्म करके आए भंगड़ा, उनको बहुत अच्छा लगा हमारा भंगड़ा। एंड हमने सूफी परफॉर्म किया, उनको वो भी बहुत पसंद आया। सो मुझे अच्छा लगा यहाँ देखे कि लोग कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं आर्ट को। नाज़रीन ये थे भाई, ये कह रहे हैं कि हम इधर परफॉर्म कर रहे हैं, हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। अगर कसूर पुलिस की बात की जाए तो कसूर पुलिस है, उन्होंने SHO साहब वो जो भी हैं पुलिस एहलकार इधर वो जगह जगह के ऊपर खड़े हुए हैं, इनको बड़ी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। फूड के बारे में बात की जाए तो फूड भी बड़ा अच्छा मिल रहा है इनको, रहाइश भी बड़ी अच्छी मिली हुई है इनको। ये बड़े कह रहे हैं कि हम पूरे उम्मीद है कि इधर हम आए हैं, इन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं है। और सबसे बढ़ के डॉक्टर वकास खान के जो उन्होंने काम किया है पूरे पाकिस्तान में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में, उनका यही कहना है कि इधर आके हमें वो माहौल मिला है कि हमें कोई परेशानी नहीं आई। हमको हम ये भी पैगाम दे रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं उनको ये एक मुस्बत पैगाम जा रहा है कि आप भी इधर छांगा मांगा जंगल की सैर करने के लिए आए और लुत्फ अंदोज होकर जाएं।